हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत वैसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल AVS Tech अनंत वैसोनी में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मतलब चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से हो या फिर ईमेल मार्केटिंग से हो या फिर वो कोई टिप्स हों या ट्रिक्स हों, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। मैं मोस्टली जो चीज़ें शेयर करता हूँ वो रियल अर्निंग होती है, क्योंकि मेरी तो उसमें अर्निंग हो या ना हो, मान लीजिए कि मैंने आपको अपवर्क का वीडियो दिया, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं था कि आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन करें या फिर किसी के थ्रू भी ज्वाइन करें, लेकिन मैंने उसके लिए वीडियो बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से या किसी भी ऐसी चीज़ों से जिनमें मुझे फ़ायदा हो मैं वही वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, बस और कोई बात है नहीं। तो आज भी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ है रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होगा, फ्री है ज्वाइन करने के लिए। जिस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वरियर प्लस। अब इनका भी यही है कि योर प्रॉफिट इज़ अवर बिजनेस, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट करोगे इनका भी प्रॉफिट होगा, इनका बिजनेस ही यही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पैसे कमाने के लिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपको सेल करवाना है और उसका आपको एक कमीशन आता है। यहाँ पे कमीशन अच्छा है, अगर आप जेवीजू देखेंगे या इनको देखेंगे तो यहाँ पे कमीशन अच्छा है। चूँकि मैंने ये नेटवर्क अभी ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे कोई अच्छी अर्निंग कर ली है। अगर मैं अर्निंग करूँगा तो उस चीज़ पर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। चूँकि सभी जगह फंडामेंटल एक ही होता है कि आपको एक स्ट्रेटजी यूज़ करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को आप सेल कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे इससे। तो अभी जो नेटवर्क है वरियर प्लस, मैंने आपको बताया है, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इन्होंने इनबिल्ट दिए हुए हैं, पावरफुल फीचर्स, लेस हाइप्स करके, मतलब आपके फीचर बहुत इनके पावरफुल हैं। साथ में इनके आप कस्टमर रिव्यू सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब इनकी साइट पे ही नहीं, अगर आप बाहर भी चेक करेंगे तो इनके रिव्यू अच्छे हैं और रियली यहाँ से पेमेंट आपको 100% मिलेगा अगर आप सेल करवाते हैं तो। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको ऑफर या प्रोडक्ट फाइंड करना है और आपको उसको सेल करवाना है, दैट्स इट। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे फ्री साइनअप, तो यहाँ पे आपको साइनअप करना है। तो साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पे डालना है आपका यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल। तो ये तीन चीज़ें डालने के बाद आपको इसको क्रिएट अकाउंट करना है और ये कैप्चा भी आपको करना है अगर आपके में आता है तो, और आपको यहाँ पे इसको कर देना है। देन आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ तो अभी मैं इसको साइनअप करके दिखाता हूँ कि इसका इंटरनल लेआउट क्या है। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं इंटरनल लेआउट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मार्केट प्लेस, वेंडर और एफिलिएट्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आपको इन तीनों चीज़ों में करना है। आप मार्केट प्लेस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फिर आप वेंडर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे और उनके ऑफर्स वगैरह सब चीज़ें, उनका क्या स्टेटस है वो सारा दिखाई दे जाएगा। फिर यहाँ पे एफिलिएट्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट प्लेस पर क्लिक करते हैं, तो मार्केट प्लेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि इनके कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आप वेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको इनका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी सेल करवाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके फॉलोवर कितने हैं और तकरीबन 29,000 इनकी सेल हुई है और इनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं आप, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसी एक प्रोडक्ट की सेल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 29,105 × 10.99 ये इनका प्रॉफिट है। इनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और उसमें इन्होंने इतनी अर्निंग की है, ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन क्या मिलता है आपको, वो सारी चीज़ें आपको हर प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेज यहाँ पे शो होगा कि प्रोडक्ट पेज क्या है, तो ये आप इनका प्रोडक्ट पेज भी देख सकते हैं कि ये कोई प्लगइन है जो कि ये सेल कर रहे हैं, इन्होंने ये प्लगइन बनवाई होगी या खुद बनाई होगी।
अब यहाँ पे आपको इनका पूरा स्टेटस शो होता है, और साथ में आपको यहाँ पे फिर से मार्केट प्लेस में हम चल के देखते हैं कि एक्चुअली में ये कितना कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन वगैरह जानने के लिए यहाँ पे आपको एफिलिएट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। एफिलिएट्स में आप ऑफ़र देख सकते हैं, ऑफ़र्स में आपको यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट मिलेंगे कि यहाँ पे आपको कितनी सेल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि आप ये फ्रीडम प्रॉफिट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कन्वर्जन रेट क्या है, यहाँ पे विजिटर्स वैल्यू क्या है, और एवरेज सेल इनकी कितनी हो रही है, और यहाँ पे इनका रिफंड कितना आ रहा है। यहाँ पे अर्निंग के दो तरीके हैं, या तो आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको यहाँ पे प्रोडक्ट में लिस्ट कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल करवाएंगे और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे लोगों के दूसरों के यहाँ पे, अगर आप स्टार्टअप में हैं कि आपने अभी शुरू किया है, तो आप यहाँ पे दूसरों के प्रोडक्ट बिकवाइए, उसके बाद आप खुद का एक प्रोडक्ट बनवा लीजिए और आप यहाँ पर लिस्ट करके उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, कितना ये सेल हुआ है, और कितना परसेंट इसका कन्वर्जन रेट है। जो जितना कन्वर्जन रेट जिसका हाई रहेगा, ये मतलब समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ है, और उसका कितना आपको अमाउंट आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। अभी देखिए, मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपने बिकवाया, आपको यहाँ पे 2.77 आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट रिकरिंग वाला है, तो यहाँ पे आपने अगर ये प्रोडक्ट सेल करवाया तो यहाँ पे आपको 4.06 आएगा, और अगर कोई इसको रिन्यू करता है, मतलब रिकरिंग पेमेंट वाला है, तो आपको 0.40 आएगा। जो भी प्रोडक्ट्स रिकरिंग वाले हैं उनमें यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये स्पेशल एक लाइन है जिन जिन प्रोडक्ट्स में रिकरिंग है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, या आप चाह रहे हैं कि वन टाइम पेमेंट। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिफंड किस में ज़्यादा कम है, और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक कौन सा रहा है। और जो जितना ज़्यादा बिक रहा है, यहाँ पे आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि ऑफ़र्स में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। साथ में आप मार्केट प्लेस में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपका प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा सेल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और कुछ ही दिन में यहाँ पे आप बहुत टाइप से प्रमोट कर सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि हेल्थ से रिलेटेड आपका ब्लॉग है, तो आप हेल्थ से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सर्च करते हैं, हेल्थ आपने सर्च किया, तो यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे बस आपको सर्च करना है कि किस टाइप से, जरूरी नहीं है हेल्थ हो, आप यहाँ पे डाइट, इस टाइप से आपको कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइट से रिलेटेड आ गए, या फिर रिलेटेड आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डाल के चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कीवर्ड डाल रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसका इन्होंने क्या नाम दिया है, अगर उससे रिलेटेड इसमें रहेगा तो ही वो यहाँ पे शो होगा। तो उससे रिलेटेड सारे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, हेल्थ है, या मान लीजिए वेट लॉस है, अगर अपन वेट सर्च करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ आती है, तो वेट लॉस से संबंधित होंगे तो वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई एक प्रोडक्ट है जो कि वेट लॉस से संबंधित है। अब ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि वेट लॉस से संबंधित है, सिर्फ $19 का है, और आपको इतना कमीशन आएगा, और ये 25 से प्लस ये यहाँ पे सेल हुआ है, ये 500 प्लस यहाँ पे सेल हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रिफंड भी बिल्कुल नहीं है। तो आप इस टाइप से प्रोडक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपका ब्लॉग है आपको उससे प्रोडक्ट रिलेटेड चूज़ करने पड़ेंगे। और आपको मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है कि आपको ये प्रमोट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि इनकी कितनी सेल है, क्या इनका कमीशन आएगा आपको, कैसे क्या कितना आ सकता है, इनके प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हैं कि और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट नोट लिखना है कि आप प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, और वो जो नोट आप लिखोगे वो थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपको बताना है कि आपका ये ब्लॉग है या आपकी ये वेबसाइट है, इसके थ्रू आप प्रमोट करोगे, या आप बैनर मार्केटिंग के थ्रू करोगे, किस चीज़ के थ्रू आप करोगे, मेन चीज़ आपको वो लिखनी है, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी ये लोग अप्रूव कर देते हैं। तो आप इस
प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डील ऑफ द डे का भी ऑप्शन इन्होंने दिया है, सपोर्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको अपनी ईमेल लिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ईमेल लिस्ट यूज़ करोगे तो रियली आप बिना किसी मेहनत के अच्छी अर्निंग करोगे। तो आपको मेन ट्राई ये करना है कि आपको ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप ईमेल लिस्ट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देखिए। और ईमेल लिस्ट अगर आपके पास होगी ना तो आपको बाकी में क्या करना पड़ता है कि लैंडिंग पेज बनाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे। ईमेल लिस्ट अगर आपके पास है तो सीधा आप प्रोडक्ट की एक लिंक डालिए, एक डिस्क्रिप्शन लिखिए, जो कि ये खुद प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें। आप इनके पेज पे जाएंगे तो पेज पे आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। बस आपको वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है, 5 मिनट में आपका काम हो जाता है। आपको तकरीबन 3 या 7 करीब आपको ऐसे टेम्पलेट बनाने हैं, वो 7 दिन के लिए आपको रखना है, क्योंकि एक बार आप भेजोगे एक बार में कोई नहीं खरीदता, कभी नहीं खरीदता। एक छोटी सी चीज़ मान लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए लक्स है, इनको एडवर्टाइजमेंट की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये फिर भी करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि उनको बार बार चीज़ें दिखाई देंगी, तो अगर वो उसको दिखाई देंगी और उसको उसमें इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली खरीदेगा। तो आपको कम से कम 5 से 6 या 7, मैं बोलता हूँ, मैं जो ट्राई करता हूँ, मैं तकरीबन 7 मेल क्रिएट करता हूँ और उन सारे मेल्स में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के और वो 7 दिन का शेड्यूल कर देता हूँ कि सुबह 10 बजे या 12 बजे जितने बजे भी आपको करना है उतने बजे आप कीजिए और वो मेल आपका पहुंच जाएगा। अब आपकी 7 दिन के काम आपने 1 दिन में कर दिया, अब 7 दिन में आपकी जो भी सेल होगी वो आपको ऑटोमेटिक आती रहेगी। यही मैं सिर्फ इस नेटवर्क के लिए ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आपको हर नेटवर्क में यही करना है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, यहाँ पे आपको अपना पेपाल अकाउंट भी ऐड करके रखना है इन केस अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि जो आपका पेमेंट आएगा वो ये लोग इंस्टेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब भी आप अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना पेपाल अकाउंट ज़रूर ऐड कीजिए। चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये नेटवर्क अभी ज्वाइन किया है, इसीलिए मैंने अभी तक यहाँ पे पेपाल अकाउंट ऐड नहीं किया है। ये शायद आपको भी नोटिफिकेशन आए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसी पेज पे जाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इससे रिलेटेड मुझे और भी कुछ ऐसे वीडियोस लगते हैं, आप लोग कमेंट करके कुछ पूछते हैं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी इससे रिलेटेड बनाऊंगा। चूँकि मैं एक वीडियो के 2-3 वीडियो बना दिया करता हूँ, जैसे मैंने शॉपिफाई के या मीशो के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप उनसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है और आप यहां से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं अगर कोई भी वीडियो डालता हूँ या फिर कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।